समीकरण बदलता है, नीतीश जी फिर से राजद के साथ आना चाहते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अभी तो चर्चा गई है, हम लोग क्यों आने की बात करते हैं, पूरे बिहार में हम लोगों का जन विश्वास यात्रा है और आज अंतिम दिन है जिसमें मधेपुरा, सहरसा और बेगूसराय होते हुए बाढ़ और पटना वापस लौटना, तो लोगों का प्यार पूरे बिहार में जो है मिला है, आशीर्वाद मिला है, बड़ी संख्या में लोग जो इस यात्रा में जुड़े उन सब लोगों के प्रति हम आभारी हैं, उन सब लोगों को धन्यवाद बोलते हैं। जैसा आप कह रहे हैं, ये जन विश्वास यात्रा में जितना विश्वास और आशीर्वाद मिला है, तो आप कह सकते हैं ये जन विश्वास यात्रा जो है जन तीर्थ यात्रा में बदल चुका है। तो क्या लोकसभा में ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा रिस्पॉन्स जो आप बता रहे हैं? आपको क्यों नहीं लगता कि कर रहे हैं? बीच में तो हम लोग सरकार बनाएंगे, अगर चंडीगढ़ जैसा बेमानी नहीं हुआ होता तो बेमानी के बाद भी केवल 12,000 के डिफरेंस थे तो वोट मिला किसको? और विधायक जो छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं, आपके मेरा पूरा ध्यान यात्रा पे है और सही समय आने दीजिए, अनुकूल समय आने दीजिए, सबका जवाब मिले। हम लोगों को इसी बात की चिंता नहीं, जनता हमारे मालिक हमारे साथ। सर आप भी यात्रा में है, जन सुराज के पीके भी यात्रा में है, वो कहते हैं कि महाजंगल राज के डर से लोग किसी के बारे में नहीं कर, हम अपनी बात 17 महीने में हमने क्या काम किया है वो हम जनता के बीच आए के बिहार में इंडिया का गठबंधन इंटैक्ट रहेगा सर, जनता के बीच विश्वास बनाने में कितना सफल हो रहे हैं ये तो आकलन आपको करना चाहिए। और कौन कर रहा है? और किसी को इतना विश्वास है क्या? और किसी पर आपको लगता है इतना विश्वास मिल रहा है? महारैली है, जनता आएगी, हम लोग जो है संवाद करेंगे, अपने बात को जो है जनता के बीच रखेंगे और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में स्टेबिलिटी नहीं है, सरकार में स्थिरता नहीं, स्थिरता जब तक नहीं रहेगी तब तक विकास संभव नहीं। आप बताओ ऐसा कभी देखा कि बजट हम लोगों ने बनाया कोई और पढ़ रहा हो दो दिन बाद? सिर्फ बिहार में था और सब जगह तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास आपके सही नहीं है इस विषय पे, हम लोग बाद में बात करेंगे। अब समय बताएं, अभी तो जन विश्वास यात्रा पे हैं और 20 के हिसाब से देखिएगा लगभग जो है अच्छी मजबूत स्थिति पे हम लोग नहीं। लोकसभा में अगर समीकरण बदलता है, नीतीश जी फिर से राजद के साथ आना चाहते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अभी तो चर्चा गई है, हम लोग क्यों आने की बात करते हैं? बहुत बस हो गया, छोड़ दीजिए, ठीक है, थैंक यू।